अधीरा के लुक से हुआ किस कन्नड़ एक्टर का कंपैरिजन? इसके बारे में क्या बोले केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील? क्या दोनों के बीच कंपैरिजन करना होगा गलत? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। फिल्म केजीएफ 2 को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्हें दूसरी फिल्म में भी केजीएफ के एक्टर्स ही नजर आते हैं, या यूं कहें कि केजीएफ के कैरेक्टर्स उन्हें दूसरी फिल्म में दिखाई देने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब कन्नड़ एक्टर श्रीनागर केटी ने अपनी आने वाली फिल्म गोबली से अपना पोस्टर रिलीज किया जिसमें उनका फिल्म में होने वाला लुक दिखाया गया है, तब तक कई लोगों ने उनके लुक को केजीएफ 2 के अधीरा यानी कि संजय दत्त के लुक से कंपेयर करना शुरू कर दिया। वहीं जैसे ही इसके बारे में केजीएफ चैप्टर्स के डायरेक्टर को पता चला, उन्होंने इसके बारे में अपनी राय रखी। आपको बता दें कि इस पर उनका ये कहना था कि केजीएफ 2 में अधीरा का लुक वाइकिंग्स के रॉब ब्रूटली से इंस्पायर है और गोवली के मेकर्स श्रीनागर केटी को अपने हिसाब से अलग लुक देने की कोशिश की गई है, इसीलिए इन दोनों के लुक को कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टर की इस बात को न सुनते हुए अभी भी लोगों ने फिल्म गोवली को ट्रोल करना बंद नहीं किया। अब ट्रोलर्स चाहे जो भी कहें, लेकिन मेकर्स उनके कहने पर फिल्म में कैरेक्टर के लुक को फिर से डिजाइन नहीं करेंगे। अब आगे देखना तो ये होगा कि केजीएफ 2 के कारण श्रीनागर किट्टी की फिल्म पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता, या इसकी वजह से फिल्म का फ्री में प्रमोशन होता है। वैसे केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में आपको यश, संजय दत्त, एंड्रयू, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर तो यही बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी। फिल्म की रिलीज को पहले कई बार टाला जा चुका है, लेकिन इस बार मेकर्स ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार फिल्म तय तारीख पर ही रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 के दिन रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, आप केजीएफ 2 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।